हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू रस रिव्यूज़, वेलकम टू माय बर्थडे सीरीज़। आज आगरा का लास्ट व्लॉग है। सो लास्ट डे ना कुछ इधर उधर हो गया था एंड वी हैड सम पर्सनल वर्क, तो उतना ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई मैं। बट मॉम डैड की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी हम सब ने साथ में, तो वो क्लिप्स मैं ज़रूर डाल दूंगी। और आगरा से मैं काफ़ी अच्छा सामान भी खरीद के लाई हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले खाने पीने की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया मिलता है, आगरा का मशहूर पेठा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बट पहले आप व्लॉग देख के आओ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। व्लॉग में ही मिलूंगी दोस्तों, व्लॉग के बाद क्या मिलती हूँ। गो हेड एंड वॉच माई लास्ट डे इन आगरा। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। फूको तो फूकी है, अरे चक्कू से खिला रही, अरे फूको। प्याज मिर्ची सब आ जाएगी। गाइस, हम पी रहे हैं बहुत ही फेमस आगरा का पंच शेक। इसमें 5 फ्रूट के फ्लेवर्स होते हैं और ये संजय प्लेस में है। आप देख सकते हैं कितना ये ब्यूटीफुल दिख रहा है, सो प्रिटी। सो गाइस, वी आर बैक फ्रॉम आगरा एंड वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर करना चाहिए। रिंग लाइट लगा ली है फोन में व्लॉगिंग करने के लिए और पिंपल आ रहा है, कोई बात नहीं। बहुत ही अमेजिंग पीआर आए हुए हैं। अगर आपको देखना है कि हमें क्या मिला, तो डू कमेंट डाउन बिलो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, कैंडल तो फूको, बोलिए एक एक फूकिए तो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बस इसी के साथ मॉम डैड की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी और हम वापस आ गए थे, कहीं और भी गए थे बट ठीक है, व्लॉग नहीं किया। एंड हम आगरा से लेके आए हैं पंछी पेठा। नाउ आगरा में क्या है ना, बहुत सारे नकली पंछी पेठा भी हैं। सो मैं आपको असली वाले की स्पेलिंग और डिब्बा दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग अगर कभी जाओ तो कन्फ्यूज मत होना। दोस्तों ये है पंछी पेठा, ये कहाँ कहाँ पर है आप शायद डिब्बे पे लिखा भी होगा। और इनकी इतनी वैरायटी आती है और हम यहाँ पे लेकर के आए पान पेठा। गाइस, इसमें पहले बात तो चांदी का इतना सुंदर वर्क है, उसके बाद इसके अंदर ना रियल गुलकंद और काजू वगैरह ये लोग डालते हैं। मैं एक आपको दिखाती हूँ अभी। ऑल्सो एक दयालबाग रोड पे भाना करके स्वीट हाउस है, भाना मल। बचपन से हम यहाँ की ये पिंक वाली कोकोनट बर्फी खा रहे हैं। सारा डिब्बा खत्म कर लिया है, मत जज करो, बट ये बहुत ही यमी है। और कोकोनट टफी का भी बहुत प्यारा है, मतलब टफी को बहुत प्यारा है कोकोनट, तो वो बहुत परेशान करता है जब हम ये खाते हैं। एंड अगर दयालबाग रोड आप कभी जाओ तो ये जरूर लेना। गाइज, मैं आगरा से 3 कुर्ती खरीद के लाई हूँ 300 रुपए की। कैन यू बिलीव इट, 100 रुपए की एक नहीं है, 300 रुपए की एक है, बट 900 रुपीज में मुझे 3 बहुत ही अमेजिंग कुर्तियां मिल गई विथ वर्क। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ट्राई ऑन हॉल चाहिए तो बता देना। ये फर्स्ट कुर्ती है येलो स्ट्राइप्स की, जिसमें ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पिंक और ग्रीन कलर की। ये प्रेस नहीं है तो सॉरी गाइज, बट ये हमारे सत्संग जहाँ मैं जाती हूँ उसकी ड्रेस का भी कपड़ा है और ये बहुत ही अमेजिंग कॉटन मटेरियल है। सेकेंड कुर्ती है गाइज, उसमें इतनी ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और ये एल साइज में है। लुक एट हाउ प्रिटी द एम्ब्रॉयडरी इज, और ये छोटे छोटे सितारे भी लगे हुए हैं। एंड लुक एट द कलर और जो शाइन है ना इस कपड़े की, मतलब इट्स अमेजिंग। नीचे भी ऐसे एक पट्टी दी हुई है, गोटा पट्टी। आई माइट वेयर दिस कुर्ती ऑन माई बर्थडे, आप बताना कि कौन सी सबसे अच्छी लगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरे हस्बैंड की सबसे फेवरेट कुर्ती है। इसमें यहाँ गले में गोटा पट्टी का काम है और ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर सीक्वेंस लगे हुए हैं।
एंड लुक एट दिस रॉयल ग्रीन कलर. ऑल्दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ ग्रीन कलर, बट ये वाला कलर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था. इनफैक्ट मैं भी इस कलर में बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, क्योंकि उनकी चॉइस मैं हूँ और उनकी चॉइस का ये कपड़ा है. काफी चीज़ी लग रहा है ना. सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप यू लाइक मेरे आगरा के ब्लॉग्स. कल से आई थिंक हॉल्स या फिर बर्थडे ग्लो अप वीडियोज आने लगेंगे. सो प्लीज डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना, और एक बहुत ही अमेजिंग गिव अवे आने वाला है गाइस. सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ड्रस्ट रिव्यूज. आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम. कल शाम 7 बजे.